खबर बेलखेड़ा से है, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर जिले के शाहपुर जनपद क्षेत्रों में जगह जगह केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 5-6 पंचायतों को लेकर केंद्र बनाए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए यहां पर अभ्यर्थी जा रहे हैं और उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाल ही में बेलखेड़ा ग्राम पंचायत भवन में 7 पंचायतों का केंद्र बनाया गया है, जिनमें ग्राम पंचायत गुबरा कला, समदपुरा, खैरी, इमलिया, कुटरी और बेलखेड़ा, गुंदरई, इसी के चलते ग्राम पंचायत गुबरा कला से सरपंच का पर्चा भरने आई सविता थम्मन जी ने पूरे लाव लश्कर के साथ ढोल धमाकों के साथ फार्म भरा और हाल ही में सविता के पति धम्मन सिंह वर्तमान में सरपंच रहे थे और इसके पूर्व मंडी सदस्य व जनपद सदस्य भी वो रह चुके हैं। इनका कहना है कि हमें और हमारे परिवार को सेवा भाव से बहुत लगाव है, जिससे हम अपनी पत्नी सविता के नाम से सरपंच का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजय वर्मा ने बताया कि सरपंच व पंच का नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और लोग उत्साहित होकर ढोल धमाका लेकर पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम और व्यवस्था के अंतर्गत अभी जो नए आरक्षण के हिसाब से जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के तहत में एआरओ सेंटर बेलखेड़ा में आज दिनांक 4 जून 2022 को शाम तक 70 फॉर्म जो है पंच और सरपंचों के लिए लोगों के द्वारा ले जाए गए हैं। इसके विरुद्ध करीब 17 फॉर्म सरपंचों के और 12 फॉर्म पंचों के आज दिनांक तक जमा हुए हैं। सर, कितनी पंचायतें आ रही हैं आपके केंद्र में? इसमें 7 पंचायतें हैं। 7 पंचायतों में 123 पंच हैं और 7 सरपंचों के कुल ऐसे पद हैं। और अभी तक जैसा है पता चल रहा है, गर्मी और उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और अभी तक जैसा भी है परिस्थिति बहुत शांतिपूर्ण अच्छे से लोगों के उत्साह के साथ और सभी के सहयोग से और बेलखेड़ा के स्थानीय लोग और सभी मेरे जो स्थानीय जो कर्मचारी हैं और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो बिल्कुल तत्परता और सजगता के साथ काम करते हुए इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। परसों 6 तारीख को आखिरी दिन है फॉर्म जमा करने का। उम्मीद है कि अधिकतर लोगों के फॉर्म उस दिन तक जमा हो जाएंगे। सर, नामा? मैं डॉक्टर राजय वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बेलखेड़ा में पदस्थ हूँ और अभी वर्तमान में एआरओ सेंटर बेलखेड़ा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूँ।